टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल शक्ति की सुरभि, जो कर रही हैं एक बड़ा खुलासा। जी हां, फर्स्ट ऑन जूम रोशनी ने की है एक ऐसी बात जो है काफी इंटरेस्टिंग। वेल, रोशनी की माने तो एक्टर्स की पहचान उनके कैरेक्टर नेम से नहीं बल्कि रियल नेम से होनी चाहिए। आई थिंक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेलीविजन इंडस्ट्री का कि जो व्यूवर्स हैं वो एक्टर्स को कैरेक्टर ही समझने लग जाते हैं रियल लाइफ में। वो नहीं जानते कि कोई अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो वो उसका काम है, वो वैसा नहीं है रियल लाइफ में। और कोई जो बहुत पॉजिटिव है वो ज़रूरी नहीं रियल लाइफ में भी वैसा हो। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टेलीविजन इंडस्ट्री का। एंड आई डोंट नो व्हाई यही व्यूवर्स जब आप बॉलीवुड मूवीज़ देखने जाते हो तो वो एक्टर्स के साथ अटैच करते हैं अपने आप को, उनके कैरेक्टर के साथ अटैच नहीं होते हैं, बट टेलीविजन इंडस्ट्री में वो कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। और मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बात बोलती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्टर कैसा है। आप सुरभि की बजाय रोशनी को जानने की कोशिश कीजिए। अक्सर टीवी पर में देखा जाता है कि एक्टर्स अपने कैरेक्टर नेम से ही पॉपुलर हो जाते हैं और उनकी आइडेंटिटी भी वही बन जाती है, मगर रोशनी को है इस बात से नाराजगी। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं एज अ व्यूअर्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्टर कैसा है रियल लाइफ में। अरे टीवी में ज्यादा है, और ये टीवी में ही है, टेलीविजन हम देखते हैं शाहरुख खान कब से फिल्में कर रहे हैं या सलमान खान कब से कर रहे हैं, लेकिन उनको हम ये नहीं बोलते कि प्रेम या राज, ऐसा नहीं बोलते। थोड़े टाइम के लिए हाँ, वो अपने नाम से पहचाने जाते हैं। टीवी में क्या होता है, अभी जैसे सुरभि कर रही है तो लोग ऐसे सुरभि करके मिलते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि हाय रोशनी। कोई भी मिलेगा बोलेगा हम आपका शो देखते हैं, आप सुरभि हो ना। हाँ। तो ऐसा हो जाता है। Well, we hope रोशनी आपकी बात हमारे शो के थ्रू आपके फैंस तक पहुंच जाए। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.